नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न 2 हम करने जा रहे हैं। PQR एक समकोण त्रिभुज है। देखिए PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, यानी ये जो कोण P है यह एक समकोण है, तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM QR पर लंब है। देखिए PM QR पर लंब है, यानी यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर होगा QM डॉट MR। बच्चों इस डॉट का मतलब है गुना। तो आइए इसे हल करके देखते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे इन ट्राइंगल QMP एंड ट्राइंगल QPR। देखिए QMP ये वाला त्रिभुज और QPR ये बड़े वाला त्रिभुज। इसमें देखिए कोण M बराबर होगा कोण P के 90 डिग्री। देखिए ये कोण M 90 डिग्री है और कोण P 90 डिग्री है। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण M, बड़े वाले त्रिभुज में कोण P दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं। कोण Q बराबर कोण Q दोनों ही कॉमन है। कोण Q इस छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है, तो कोण Q बराबर कोण Q कॉमन। तो AA समरूपता कसौटी के अनुसार, AA समरूपता कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। त्रिभुज QMP समरूप होगा त्रिभुज QPR के। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों हम त्रिभुज RMP और RPQ को भी आपस में समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार, क्योंकि उसमें कोण R कॉमन होगा और कोण M 90 और कोण P 90 होगा, तो त्रिभुज RMP समरूप होगा त्रिभुज RPQ के। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए त्रिभुज QPR QMP के समरूप है और त्रिभुज QPR RMP के या PMR के भी समरूप है। तो इसे यदि इसके ही जैसा लिखना हो तो हम इसे त्रिभुज PMR और यहां पर QPR लिख सकते हैं। अब इसे देखिए QPR कॉमन हो गया, QPR QMP के समरूप है और QPR PMR के भी समरूप है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यदि ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड भी बराबर होंगे, यानी कि एक दूसरे के समरूप होंगे, यानी कि त्रिभुज QMP समरूप होगा त्रिभुज PMR के। और यदि त्रिभुज QMP समरूप है त्रिभुज PMR के तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। और यदि संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो देखिए QM बटा PM बराबर होगा PM बटा RM के। QM बटा PM बराबर होगा PM बटा RM के। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो PM गुना PM हो गया, PM स्क्वायर बराबर होगा QM गुना RM के। और बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। तो
प्रश्न का उत्तर बड़ा सरल था बच्चों, हमने पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया, फिर इधर वाले त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया, फिर हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया, और वहां से हमने देखा कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो उन भुजाओं को हमने लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार से हमने अपना उत्तर निकाल दिया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के उत्तर देखकर उन्हें समझ सकते हैं। धन्यवाद।